हेलो गाइज, वेलकम टू आर्यन एजुकेशन चैनल। सभी बच्चों का मैं आर्यन एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको एसएससी सीजीएल में एग्जामिनेशन में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आपको कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया है, 3 cos² θ - 4 sin θ + 1 = 0, 0 is 0 degree less than थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू जो है 0 और 90 के बीच में है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस sec थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमको कैसे करने होंगे, देखिए बच्चों इसका सोल्यूशन क्या होगा। इसमें आपको करना होगा, पहले 3 cos² θ को लिख सकते हैं हम, cos² θ = 1 - sin² θ और -4 sin θ + 1 = 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 3 sin² θ - 4 sin θ + 1 = 0। अब इसको हम लिख सकते हैं -3 sin² θ - 4 sin θ + 4 = 0। अब हमको क्या करना हो, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका साइन चेंज होगा, 3 sin² θ + 4 sin θ - अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ नहीं प्लस 4 होगा, 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये माइनस का साइन माइनस मल्टीप्लाई कर दे तो -4 = 0 हो जाएगा। अब हमको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए तो हमको a² + bx + c के रूप में यक्ष इसका हम फैक्टर करेंगे। तो इसका 4 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4 × 3 = 12, और 12 के ऐसे फैक्टर करना है कि जो सब्ट्रैक्ट करने पर, माइनस का मतलब बच्चों यह होता है कि सब्ट्रैक्ट करने पर, हमको घटाने पर हमारा क्या आना चाहिए, मतलब माइनस आपको सब्ट्रैक्ट करना है और घटाने पर आपको 4 आना चाहिए, तो 6 × 2 हो जाएगा, तो 6 × 2 = 4 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3 sin² θ - 6 sin θ - 2 sin θ - 4 = 0। तो ये हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3 sin θ कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा sin थीटा और प्लस 2 हो जाएगा, और -2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा sin थीटा और प्लस 2 हो जाएगा = 0 हो जाएगा। अब हमारे क्या होगा कि sin θ + 2 कॉमन हो जाएगा, तो sin θ + 2 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 sin θ - 2 = 0। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, sin θ + 2 = 0, तो इसको लिख सकते हैं sin θ = ये जो 2 जो होगा राइट हैंड साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब ये -2 की ये तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि ये जो माइनस में है तो इसकी वैल्यू, माइनस की वैल्यू हम इसको छोड़ नहीं लेंगे, तो -2 = 0, तो हम लिखेंगे 3 sin θ = 2, तो sin θ = क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब यह जो है sin थीटा का मतलब क्या हो गया कि ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो गया, तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। अब किसी भी समकोण त्रिभुज में हम ले लेंगे और अब यह देखेंगे कि क्या यह, अब जैसे हमने बताया है हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस आपका 3 हो जाएगा और परपेंडिकुलर क्या होगा, 2 हो जाएगा, तो
ए बी सी में हम दोनों का मान फाइंड कर लेंगे, तो बी सी की वैल्यू क्या होगी, अब पाइथागोरस प्रमेय से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यह हो जाएगा ये कोण 90 डिग्री का होगा, तो ये होगा बी सी स्क्वायर बराबर होगा आपका ए सी स्क्वायर और माइनस बी सी माइनस ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये ए सी का मतलब है 3 का स्क्वायर और ए बी का मतलब है 2 का स्क्वायर, तो ये होगा 9 में से 4 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट 5 आ जाएगी। अब इसी तरह से हमको वैल्यू क्या निकालना है टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपान बेस होगा, तो ये होगा परपेंडिकुलर अपान बेस, तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 बाई अंडर रूट 5 हो जाएगी, और सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक थीटा की वैल्यू होगा 3 बाई अंडर रूट 5 हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या होगा सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपान बेस, तो हाइपोटेनस अपान बेस हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड कर देंगे, किसकी वैल्यू टेन थीटा प्लस साइन थीटा, तो टेन थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ पे देख लीजिए, टेन थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो टेन थीटा की वैल्यू हमारी क्या दी गई है, टेन थीटा की वैल्यू मैंने निकाला है 2 अपान अंडर रूट 5 और प्लस साइन थीटा की वैल्यू नहीं सेक थीटा की वैल्यू, सेक थीटा है ये गलत लिख दिए हैं यहाँ पे, गलत लिख दिए हैं क्या, सेक थीटा ठीक है सेक थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 अपान अंडर रूट 5, दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 अपान अंडर रूट 5 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू अंडर रूट 5 में अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट 5 आ जाएगा। अब इसमें नहीं हो तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 इंटू अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा अंडर रूट 5। ये आपका आंसर वैल्यू आया टेन थीटा प्लस साइन थीटा की, सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट 5 आ गया। इस तरह से मैंने बच्चों आपको यह क्वेश्चन बताया, यदि मेरे प्यारे बच्चों यदि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बच्चों कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर सूचित करिएगा जी।